एमबीओ बंटाई डीएचएस के इकलौते ऐसे रैपर हैं जो इतनी बीफ में इन्वॉल्व हुए हैं कि शायद ही कोई और रैपर ने इतनी बीफ इतनी डिस्ट्रीब्यूट अपने पूरे डीएचएस करियर में देखा होगा। चाहे हम बात कर ले कि एमबीओ बंटाई के ऊपर इतने शॉट्स लिए गए हैं, इतने डिस्ट्रैक निकाले गए हैं, लेकिन एमबीओ ने उनको अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो में हम एमबीओ की तीन बीफ के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें से मल्टीपल बीफ तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उनके बारे में शायद तुम्हें पता होगा, बट ऐसे बीफ भी है जो अंडररेटेड है, लाइक रैपर्स ने एमबीओ के लिए डिस्ट्रैक ड्रॉप किए हैं या फिर एमबीओ के ऊपर शॉट्स लिए हैं, बट शायद तुम में से बहुत सारे लोगों को यह पता ना हो। तो अगर तुम एमवीए के फैन हो या ना भी हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में काफी मजा आने वाला है। एमवीओ वर्सेस रफ्तार, ये बीफ सिर्फ एमवीओ के करियर का सबसे बड़ा बीफ नहीं था, बल्कि ये पूरे डीएचएस का सबसे बड़ा बीफ था। इस बीफ की वजह से डीएचएस की ग्रोथ भी काफी बढ़ गई थी और इस बीफ ने काफी हेल्प भी की थी डीएचएस को मास तक ले जाने में। तो इस बीफ के बारे में तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि कैसे बीफ स्टार्ट हुआ था राज जॉन्स के इंटरव्यू से। तो राज जॉन्स के इंटरव्यू से रफ्तार कुछ बोलते हैं जो एमवीओ को पसंद नहीं आता है, और एमवीओ बंटाई रफ्तार के लिए डिस्ट्रैक ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था समझ में आया क्या, जहाँ पे एमवीओ रफ्तार के साथ साथ डिवाइन एंड एम सिस्टम को भी डिस करते हैं। इसके बाद रफ्तार की तरफ से भी रिप्लाई ट्रैक आउट होता है, एमवीओ फिर से रिप्लाई ट्रैक करते हैं और मल्टीपल ट्रैक्स एक्सचेंज होते हैं, और फिर बाद में डिस्ट्रैक एक्सचेंज रुक जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बीफ डिस्ट्रैक एक्सचेंज के रुक जाने से खत्म हो जाती है, ये बीफ अभी तक चलता हुआ आ रहा है। तो रफ्तार एंड एमवीए की इस बीफ की वजह से और भी मल्टीपल बीफ स्टार्ट हुई, और ये बीफ जैसे मैंने बोला खत्म नहीं हुआ है, बीच बीच में चिंगारी लगती रहती है। एमवीओ वर्सेस डिवाइन, अगर हम बात करें इन दोनों रैपर्स की, दोनों रैपर्स मुंबई से बिलोंग करते हैं, और इंडिया के अगर हम टॉप रैपर्स की बात करें तो ये दो रैपर्स उस लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एमवीओ की साइड से जो पहला डिस्ट्रैक आया था उसमें एमवीओ ने डिवाइन को भी डिस किया था, और उसके लिए उस टाइम पे तो हमें डिवाइन की साइड से रिप्लाई ट्रैक देखने को नहीं मिला, बट डिवाइन एक डिस्ट्रैक रिलीज कर रहे थे जो डिवाइन बाद में रिलीज करने वाले थे। ये डिस्ट्रैक किसी रीजन की वजह से कैंसिल हो गया था, बट इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें बैक टू बैक दो डिस्ट्रैक एमवीओ के ऊपर देखने को मिलते हैं, एंड इवन एमवीओ भी डिस्ट्रैक के डिवाइन को रिप्लाई करते हैं। फिलहाल डिवाइन एंड एमवीओ के रिलेशन काफी अच्छे हैं, इनके बीच फिलहाल तो कोई बीफ नहीं है। एमवीओ वर्सेस एमसी स्टेन, ये बीफ बहुत ही इंटरेस्टिंग बीफ है जो 2018 में स्टार्ट हुआ था। अगेन उसी ट्रैक में हम वापस जाएंगे, समझ में आया क्या, जहाँ पे पहली बार एमवीओ ने एमसी स्टेन को डिस किया था। बाय द वे उससे पहले एमसी स्टेन ने उनके एक ट्रैक में डिवाइन एंड एमवीओ को डिस कर रखा था। इसके बाद हमें एमसी स्टेन की तरफ से रिप्लाई डिस्ट्रैक देखने को मिलता है जिसका नाम था खुजामत, जो कि 1 जनवरी 2019 में आया था। इस डिस्ट्रैक के लिए हमें एमवीओ की तरफ से कोई भी रिप्लाई देखने को नहीं मिला, एंड जैसे जैसे साल आगे गया इन दोनों के बीच चीजें अच्छी हो गई। जब एमसी स्टेन बिग बॉस में थे एमवीओ ने एमसी स्टेन को सपोर्ट भी दिखाया, बट बिग बॉस से निकलने के बाद जो रिस्पेक्ट एमवीओ की साइड से मिला वो एमसी स्टेट की साइड से नहीं मिला। एंड हियर हमें एक और ट्रैक देखने को मिला एमवीओ बंटाई के रिसेंट एल्बम में, जहाँ पे उन्होंने एमसी स्टेट को फिर से डिस किया। इवन इसके बाद भी एमवीओ एंड एमसी स्टेट की साइड से कुछ सबनिमिनल्स एक्सचेंज हुए, एंड ये बीफ अभी तक चल रहा है। तो आपका फेवरेट रैपर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।